Hello everyone, welcome back to the channel Focus on Learning. In today's video we are going to discuss preposition. Preposition को हम पहले भी discuss कर चुके हैं. अगर आपने video नहीं देखा है तो link आपको I button पर मिल जाएगा या फिर आप description में जाके playlist check कर सकते हैं. चलिए देखते हैं आज हम कौन सी preposition को discuss करने वाले हैं. आज हम discuss करने वाले हैं by, with और in को. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं और हम कहाँ यूज करते हैं. हम इनको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं. हम इनको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के साथ भी यूज करते हैं. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस वर्ड को लिविंग, नॉन लिविंग और किस वर्ड को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. शी रोट अ लेटर डैश ए फेदर डैश हिज ब्लड. इस सेंटेंस में आप बताइए कि इसमें बाय, विद और इन में से क्या वर्ड आप यूज करेंगे. शी रोट अ लेटर डैश अ फेदर डैश हिज ब्लड. यहां हम यूज करेंगे विद, यहां यूज करेंगे इन. अब हमने विद और इन ही क्यों यूज किया है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. बाय इज यूज्ड विद लिविंग थिंग. बाय इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स. विद और इन इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वेयर इज विद यूज्ड एंड वेयर इज इन यूज्ड. विद इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन एंड इन इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. ओके, देखिए बाय को यूज करते हैं हम लिविंग थिंग के साथ, विद का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के साथ, और इनको भी हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, विद को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और इनको आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. तो इसमें जो फेदर लिखा हुआ है वो काउंटेबल है और नॉन लिविंग है, तो यहां हमने विद का यूज किया. हिज ब्लड, जो ब्लड है वो नॉन लिविंग है लेकिन अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने इन का यूज किया. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं. द केक इज कट डैश मी डैश अ नाइफ. अब बताइए यहां क्या यूज करेंगे. द केक इज कट डैश मी डैश अ नाइफ. यहाँ विद, इन या फिर बाय में से हम किस वर्ड को यूज करेंगे. देखिए कोई काम किया गया है, क्या काम किया गया है, केक कट किया गया है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा. तो मी क्या है, एक पर्सन की बात करता है, लिविंग थिंग की बात करता है, तो हम यूज करेंगे बाय. ठीक है, अब नाइफ है, नॉन लिविंग है लेकिन काउंटेबल है. ठीक है, तो हम यूज करेंगे विद. The conclusion is by is used with living thing, with or in is used with non-living thing, but with is used with countable noun and in is used with uncountable noun. By को आप हमेशा living thing के साथ use करेंगे, in और with को आप non-living thing के साथ use करेंगे, लेकिन with को आप countable noun के साथ use करेंगे और in को आप uncountable noun के साथ use करेंगे. ठीक है, I hope ये clear है. Let's move on the next preposition. Next preposition is deal. Deal को हम कब use करते हैं या फिर deal का meaning क्या होता है और deal के साथ हम किन preposition को use करते हैं, कितनी preposition हम deal के साथ use कर सकते हैं वो हम discuss करेंगे. Deal का meaning होता है या deal को हम कब use करते हैं, जब हम कोई task perform कर रहे होते हैं तब हम deal का use करते हैं. We can use deal in और डील विद. हम डील के साथ इन भी यूज कर सकते हैं और डील के साथ विद भी यूज कर सकते हैं. तो बताइए डील इन और डील विद हम कब कब यूज करेंगे. जब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की तब हम डील इन का यूज करेंगे, और जब हम बात करेंगे नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ पार्टनर की जब हम बात करेंगे तब हम डील विद का यूज करेंगे. देखिए डील इन को हम गुड्स एंड सर्विसेज के साथ यूज करेंगे, लेकिन जहां बात होगी नेम ऑफ पार्टनर की
वहां हम डील विद का यूज करेंगे। जैसे आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आप डील विद का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम डील्स डैश इलेक्ट्रिकल्स, शी डील्स डैश प्रिया एंड सुमन। बताइए कहां हम डील के साथ इनका यूज करेंगे और कहां हम डील के साथ विद का यूज करेंगे। अभी अभी हमने रूल डिस्कस किया कि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हम डील इनका यूज करते हैं, नेम ऑफ पार्टनर के साथ हम यूज करेंगे डील विद का। राम डील्स इलेक्ट्रिकल्स, तो यहां हम यूज करेंगे इन और सेकेंड सेंटेंस में यूज करेंगे विद। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने इन क्यों यूज किया, बिकॉज इलेक्ट्रिकल्स आर गुड्स दैट ही डील्स इन। इन सेकेंड सेंटेंस वी यूज विद प्रिया एंड सुमन, इट मीन्स शी हैज अ बिजनेस विद प्रिया एंड सुमन। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में इन हमने यूज किया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स क्या है, गुड्स हैं, ठीक है, जिसके साथ में डील इन यूज होगा। शी डील्स विद प्रिया एंड सुमन, हमने विद क्यों यूज किया है, क्योंकि उसका बिजनेस है प्रिया और सुमन के साथ। प्रिया और सुमन क्या है, उसके पार्टनर है, और पार्टनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डील विद का यूज करते हैं। आई होप इस क्लास में हमने जो भी प्रपोजिशन के यूजेस को डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।